स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल HS बैंकर के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हैं। मैं एक या दो दिन में वीडियो बना के उस क्वेश्चन के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन एक या दो दिन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन इफ 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द पोजीशन डी एंड ई टुगेदर ऑन फ्राइडे वर इनकम्प्लीट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर पोजीशन डी एंड ई टुगेदर ऑन फ्राइडे। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे टेबल दिया हुआ, टेबल में ए बी सी डी अलग अलग पोजीशन से और डे वाइज उनमें कौन सी पोजीशंस के लिए किस दिन कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई ये डाटा है। अभी ये क्या बोले 60% है वो इनकम्प्लीट है। इफ 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर पोजीशन डी एंड डी ऑन फ्राइडे वर इनकम्प्लीट, जो 60% है वो इनकम्प्लीट है तो बचे कितने 40%, मतलब 40% कम्प्लीट है। हमें यही पता करना कि कितने परसेंट कम्प्लीट है, तो हम क्या करेंगे डी और ई पोस्ट के लिए फ्राइडे का डाटा लेंगे, फिर उन दोनों को उनको प्लस करेंगे, फिर उसका 40% निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए डी का देखते हैं फ्राइडे का कितना 65 है, 65 प्लस ई का फ्राइडे का कितना 70, तो 135 आ गया। अभी हम इसका क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाता है 54, मतलब जो 54 एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही थी। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा आपको, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।